गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान में स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में बताएंगे। यह लेसन स्वास्थ्य एवं रोग के नाम से आपके बुक में लिखा गया है। आप जिसमें पहली बात यह पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, वह जीव जिन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात ऐसे बिना किसी यंत्र के सहायता से नहीं देखा जा सकता है, जो इतने सूक्ष्म हैं, इतने छोटे हैं, उन्हें देखने के लिए हमें एक यंत्र जिसका नाम सूक्ष्मदर्शी है उसका प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। आपका जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, कवक हुआ, ये सब इसी सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं। बहुत सारे आपके शैवाल भी सूक्ष्म जीव में हैं, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव होते हैं। आप इन सूक्ष्म जीवों को माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान में, माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कहने का अर्थ होता है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इस माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वह एंटेनिमा लीवेनहार्ट को कहा जाता है, जो आपके लीवेनहॉक या सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्या है, फादर है। यह प्रश्न आप याद रखिएगा कि लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है, माई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म होते हैं, किंतु इनकी उपस्थिति बड़े जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। यह अपघटनकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। यह चीजों को जो जटिल है उसको सरल करने का काम करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। यह संगठनात्मक क्रियाओं का भी कार्य करते हैं। तो अपघटनकर्ता के रूप में और संगठनात्मक क्रियाओं के रूप में यह लाभदायक भी होते हैं। यह सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं, कहीं लाभ पहुंचा करके तो कहीं हानि पहुंचा करके। बहुत सारे रोगों को जन्म देने में, भोजन को नष्ट करने में, चमड़े की चीजों को बर्बाद करने में, इन सारे कामों में इन सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। तो सूक्ष्म जीव के रूप में पहले सूक्ष्म जीव के विषय में हम विषाणु पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में आप वायरस बोलेंगे। यह विषाणु का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो यह अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, अर्थात इन्हें हम
सेल के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, यह अति सूक्ष्म है, अविकल्पी है, इनके लिए और कोई विकल्प नहीं होता है और अंतः परजीवी होते हैं। तीन चार बातें, यह अति सूक्ष्म, अकोशिकीय, अविकल्पी और अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी कहने का अर्थ होता है कि जो शरीर के अंदर पाए जाए उन्हें हम, तो ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं उन्हें अंतः परजीवी के नाम से जाना जाता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, अर्थात इनका निर्माण न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, यह सर्वत्र पाए जाते हैं, यह कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां इनकी उपस्थिति नहीं है और यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में माने जाते हैं। सजीव और निर्जीव की कड़ी के बीच में मानना कहने का अर्थ है कि जब यह सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं तो सजीवों के जैसा कार्य करने लगते हैं, लेकिन जब यह उसके संपर्क से अलग हो जाते हैं तो यह मृत प्राय हो जाते हैं। इनके अंदर वो कोई भी क्रिया नहीं होती है जिसे आप देख करके यह कह दें कि यह सजीव होता है। यह संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो इस तरीके से यह जो वायरस है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर इसके संधि विच्छेद का मतलब समझें, इस शब्द का, तो विष का अणु इसे कहा जाता है, अर्थात जहर प्वाइजन का एटम अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ प्वाइजन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विषाणुओं के विषय में पढ़ते हैं वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, विषाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। रूसी वैज्ञानिक आपके इवानेस्की ने सर्वप्रथम इसकी खोज की। उन्होंने तंबाकू की पत्तियों पर इसे किटेरी रोग, जो टोबैको मोजैक डिजीज के नाम से जाना जाता है, टीएमबी वायरस को देखा और इस तरीके से वायरोलॉजी के फादर को, इवानेस्की को वायरोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। यह उन्होंने देखा कि इस तरीके से चितकबरी पत्ती का अगर दूसरे स्वस्थ पत्ती पर गिरा दिया जाए तो कुछ समय बाद वह पत्ती भी चितकबरी हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि निश्चित तरीके से इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि उस पत्ती के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस तरीके से विषाणुओं की खोज। अमेरिकी वैज्ञानिक डब्ल्यू एम स्टैनले ने सर्वप्रथम विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। टीएमबी को उन्होंने क्रिस्टलीकृत किया और बैक्टेरियो या विक्रीम और जीवाणुभोजी विषाणु की खोज डब्ल्यू टावर नामक वैज्ञानिक ने 1975 में किया। जीवाणु भोजी विषाणु कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को भक्ष करता है, जो जीवाणुओं को खाता है, जिसका असर जीवाणुओं के ऊपर होता है, जिसका प्रभाव जीवाणुओं पर पड़ता है, ऐसे विषाणु को हम जीवाणु भोजी विषाणु के नाम से जानते हैं। तो यह आपका जो बात हुआ यह विषाणु के विषय में है। आपको अभी बताया गया कि विषाणु जो होते हैं वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है।
जब इन्हें सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है तो इसमें निश्चित तरीके से वो दोनों लक्षण होंगे जो सजीव और निर्जीव में पाए जाते हैं। तो फिर आप इसके वो दोनों लक्षण एक एक करके जानेंगे कि किन लक्षणों को देख करके आप इन्हें सजीव कहते हैं और किन लक्षणों की उपस्थिति में ये निर्जीव कहलाते हैं। इस बात को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और तब तक इतनी बातों को आप इस पाठ में पढ़िए समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।